राम राम भाइयों, मारे द्वारा एक कमेंट और आया था भाई। इस भाई ने कमेंट में लिखा था 60 से 70 आदमी के लिए रायता बनाना है भाई, जो कि अपन बूंदी का रायता तैयार करना है। इसमें कितना खर्चा लग जाएगा और के आइटम इसमें पड़ेगा भाई? ज़्यादा कोई खर्चा की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साधारण सा रायता कम खर्चा में तैयार हो जाएगा भाई। जैसे मान ले अपन जो रायता तैयार करा हाँ, वो लगभग 100 आदमी तक का एस्टिमेट भी आप मान कर चला तो भी ज़्यादा खर्चा नहीं बना है आपका, ठीक है। उस विषय में मैं एक बार आपने जो चीज़ है वो दिखा भी देऊँगा भाई, कितना के पढ़ना चाहिए इसमें और कितना के खर्चा लग जाएगा, ठीक है। जो कि आप मान कर चला भाई, नॉर्मल पतला सा अगर रायता भी बनाओ हो तो आप 2 किलो दही यूज कराएंगे उसमें, 60 से 70 आदमी हमें, ठीक है। 2 किलो दही यूज कराएंगे, ठीक है। उसके अलावा 18 से 20 किलो लस्सी यूज कर सका उसमें, ठीक है। और अपन एक 100 रुपये 70 रुपये अपन का जो रायता बूंदी है उसका लगा लिया, जो कि आप पाइया इसमें बूंदी गैस का है। फिर आप मान कर चला भाई, गाढ़ा रायता भी बढ़ावा है तो 5 किलो दही इसमें डाल सका है। 5×6 = 30, 300 रुपये का खर्चा हो गया दही का, ठीक है। 300 ग्राम 3 किलो दही डाल ली तो 300 रुपये खर्चा हो गया। और एक एक चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ है, जैसे कि आपने एक रायता मसाला लेना है 70 रुपये का, वो हो गया भाई। एक काली मिर्च लेनी है 50 ग्राम या 40 ग्राम, वैसे 20-25 ग्राम मिर्च पड़नी इसमें, 20 ग्राम ज़्यादा है, ठीक है। वो 30 रुपये की वो लगा ले भाई, 100 रुपया हो गया। और 300 रुपया अपन दही का लगा लिया, 400 रुपया। और इसका अलावा 20 रुपये की हरी मिर्च और धनिया, अगर उसकी भी आप पिसाई करके घेरा हाँ उसका अंदर, तो भी रायता का खास टेस्ट बढ़ेगा बढ़िया। 20 रुपया वे लगा ले भाई, ठीक है। इसके अलावा एक 10 रुपये का जीरा लगा ले, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ है, रायता मसाला हो गया, जीरा हो गया, और रायता बूंदी होगी, और एक 10 रुपये का काला नमक लगेगा, जो कि आप 100 आदमी तक कभी रायता तैयार करा है तो भी अपना 500 रुपये खर्चा हो भाई, ज़्यादा खर्चा को नहीं आवे। आज के लिए इतना ही काफ़ी भाई साहब। अगर आपने हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दिए भाई। धन्यवाद। जय हिंद।